हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो आज का मेरा न्यू ब्लॉग, तो ब्लॉग ये है कि मैंने भिंडी के पेड़ उगाए थे, तो उनको आज वहाँ से निकाल के दूसरी जगह कैसे लगाएंगे और कितने दिन में भिंडी आएंगी, आप लोगों को पूरा मैं ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए। आपको किसानी से रिलेटिव हर नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मैं अभी पेड़ लगाने लगा हूँ। मैंने हाथ से खुदाई पहले ही कर दिया था, उसमें गड्ढे बना दिया था। तो देखिए, मैं एक एक पेड़ लगा दिया रहा हूँ। एक में लमसम लग गए तो मैं ऊपर से मिट्टी डाले दे रहा हूँ, जिसलिए पेड़ की जड़ें पूरी झप जाएं तो उगने में और अच्छा होगा। तो आप लोग अगर मेरे ब्लॉग पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं अभी दूसरे डिब्बे में भी लगा दे रहा हूँ। फिर मैं एक टमाटर का पेड़ इसमें से उखाड़ के इस वाले डिब्बे में लगाऊंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर आप भी ऐसी ही किसानी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं हर हफ्ते में या एक दिन में रोज़ एक नया वीडियो डालते रहता हूँ किसानी से रिलेटिव। अगर आपको देखना है तो मैं अभी फाइनली टमाटर का भी पेड़ लगाए दे रहा हूँ। उसमें ये देखिए, टमाटर का भी पेड़ लग गया, तो मेरा प्रोसेस ख़त्म। तो आप लोग देखिए, ये मैं पानी डाल रहा हूँ। उसमें पानी डालना, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब भरी पानी डालें, ज़्यादा अगर डालेंगे तो पेड़ की जड़ें जो हैं वो सड़ जाएंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और पानी डालने के बाद ये देखिए मेरी पिचकारी। तो मैंने देखे फाइनली इनको अपनी जगह पर रख दिया है। तो अब आपको दिखाएंगे जब भिंडी तैयार होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।